नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज वाज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। और ये देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, तो आपको इस फॉर्म को फिल करना ही होगा, तभी आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे पाएंगे। और इस एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होगा जहां पे ज़रूरत होगा। जैसे ग्रुप डी का जो पोस्ट होगा वहां पे आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, बट अगर आपका ग्रुप सी का पोस्ट होगा तो वहां पे आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो ये जो फॉर्म है ना, पीईटी मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो टेस्ट होगा वो आपको फिल करना होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पीईटी का जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे आप लोग को सभी को फिल करना है अगर आप यूपी में स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट लिखा हुआ है कि upssc.gov.in, आप लिखेंगे। और यहाँ पे जो जो ये यूपी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर सबमिशन है प्राइमरी एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ना, उस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। बाकी डिटेल आपको यहीं से मिलेगा। मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो आपका फॉर्म फिल हो रहा है, ये आपका 21 तारीख तक फिल हो रहा है, मतलब 21 से 2021 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ था 25 तारीख से, फिल होना स्टार्ट हुआ था। बाकी डिटेल अगर आप देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन कौन कौन सा फॉर्म आपने सबमिट किया, नो स्टेटस देख सकते हैं, तो बाकी सब डिटेल भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक, जैसे आपने सुना होगा पिछले साल लास्ट ईयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि अब से एग्ज़ाम क्या होगा, कॉमन एग्ज़ाम होगा। जैसे रेलवे, एसएससी और बैंक के तीनों के लिए कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तो उसी आधार पर यूपी गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को लागू किया है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आपको बार बार फॉर्म नहीं फिल करना होगा, आपने एक बार फॉर्म फिल किया और इसके बाद एक साल तक आपका एक मार्कशीट आपको मिल जाएगा, और उसके बेसिस पे आप बाकी सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सोच है ना, नहीं सॉरी, यूपी गवर्नमेंट का जो सोच है बहुत अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको इस चीज़ को देखने को मिलेगा इम्प्लीमेंट। जुलाई के मंथ से उन्होंने बोला था, तो हो सकता है अगस्त में फॉर्म आ जाए सीईटी का। तो अगर उसका भी आता है तो मैं कमेंट आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं, पेज थोड़ा खुलने में लेट लग रहा है, हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें आखिर आगे क्या है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अगर आपका आयु 40 साल से कम है, मतलब 1981 के बाद का है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखते हैं, पेज खुल गया यहाँ पे पीईटी का। और ये कब आया था, 01 एग्ज़ाम 2021, 25/5/2021 को आया था। 21 से 2021 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट आपका यही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई के लिए भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। ये भी आपको दिया गया है, एडवर्टीजमेंट भी दिया हुआ है। तो एज लिमिट मैंने बता दिया, 40 साल से कम होना चाहिए आपका, और कम से कम मिनिमम 10 पास होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी में मिनिमम 10 मांगता है, और मैक्सिमम आपका ग्रेजुएशन पीजी कुछ भी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप लोग को ये हो गया, एज लिमिट बता दिया, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया आप लोग को, फी आपका 185 रुपया लगने वाला है अगर आप सामान्य कैटेगरी से। अगर यूपी से बाहर से भी आप बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। आपको रिजर्वेशन कोटा नहीं मिलेगा, जो यूपी के कैंडिडेट है उन्हीं को रिजर्वेशन कोटा मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हियर टू इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे फॉर्म फिल करना, और यहाँ देखिएगा सिंपल डिटेल एप्लीकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो आपको पीडीएफ एक खुलेगा ना, इसमें बताया जाएगा कि कैसे इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। तो इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, या फिर आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देख सकते हैं एक एक स्टेप को यहाँ क्लियर किया गया है कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कैसा सिग्नेचर होना चाहिए, कैसा मतलब क्या स्टेप है, कैसे पेमेंट करना है, एक एक चीज़ यहाँ पे। और ये फाइनल सबमिट होके आपका फॉर्म ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से फिल कर सकते हैं अपने फॉर्म को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10 चाहिए, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद दूसरा देखिए इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन भी इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ये देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन है कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है, जो मैंने वेबसाइट बताया, और एडवर्टीजमेंट को आपको अच्छे से देखना है। भाग एक में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, भाग दो में फ़ोटो सिग्नेचर,
उसके बाद फिलिंग रिमेनिंग पार्ट जिसमें क्वालिफिकेशन होगा, डिक्लेरेशन होगा, फी पेमेंट होगा भाग चार में, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, फिर प्रिंट एप्लीकेशन भाग पाँच में होगा, ठीक है। और संशोधन आप कर सकते हैं 28 तारीख तक, मतलब 21 तारीख से लेके 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक आपको संशोधन के लिए टाइम दिया जाएगा इस फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा मतलब मौका है आप लोगों के पास है, क्योंकि एक साल के लिए इसके मार्कशीट का जो होगा ना वैलिडेशन, एक साल के लिए होगा। तो मेरे हिसाब से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर यूपी के आसपास है तो इसे आप फिल कीजिए, बिहार से, झारखंड से, यूपी से है तो आपको फिल करना ही चाहिए। और आप जैसे लेखपाल का भी वैकेंसी आने वाला है, तो हो सकता है कि इसी के अंतर्गत इसका एग्जाम हो सकता है कि अब यूपी में आपको आगे आने वाले समय में ज़्यादा ये ना देखने को मिले, मतलब ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा वैकेंसी देखने को ना मिले, वैकेंसी बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिले आने वाले समय में, ठीक है ना। अप्लाई करना होगा तो यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यही आपको जानकारी देना था, और एडवर्टीजमेंट जो है इसका मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, अभी खुलने में टाइम लग रहा है यहाँ पे, हो सकता है कि सर्वर बिजी होगा, और ये खुल गया एडवर्टीजमेंट, तो हम देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट में कुछ खास दिया है तो देख सकते हैं, हिंदी में दिया हुआ है और जो मैंने बताया वही चीज़ दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं दिया हुआ है, सारा कुछ मैंने बता दिया। एग्जाम पैटर्न केवल आप लोगों को बताना है, तो एग्जाम पैटर्न यहाँ नेगेटिव मार्किंग पहले मैं बता दूँ 1/4 है, मतलब 0.25 आपका नंबर कटेगा, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग के तौर पे, मतलब चार क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक नंबर कटेगा आपका। और यहाँ पे अगर हम बाद में देखें और भी कुछ देखें, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो सिलेबस है, तो 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, ये आपका एग्जामिनेशन फी है, मतलब सामान्य कैटेगरी 185, अन्य पिछड़ा 185, अनुसूचित जाति 95, 95 विकलांग 25 रुपये, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फ़ी है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है, तो ये अच्छा है। और फॉर्म में कुछ सप्ताह में सुधार करना होगा तो 28 तारीख तक आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कहीं आपने गलत किया है तो। आगे देख लेते हैं, कुछ और भी पॉइंट को हम देख लेते हैं, ये फॉर्म आप लोग को फिल करना चाहिए, अच्छा फॉर्म है। अब यहाँ पे ये देखिएगा सिलेबस है जिसका एग्जाम 100 नंबर का लिया जाएगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और क्वेश्चन का जो नेचर होगा ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन कैसा होगा ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे कि नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिएगा पहला जो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर, और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे वो भी टॉपिक दिया हुआ है, तो इन्हीं सब टॉपिक को आपको देख के जाना है एग्जाम में, ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इनको देख लीजिएगा जो टॉपिक आपको दिख रहा है। तो इंडियन हिस्ट्री में केवल मध्यकाल का हो गया, मुगल काल हो गया, मतलब पूरा देखना है, मराठा भी देखना है, ब्रिटिश राज्य का अद्भुत है, प्रथम में स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857, ब्रिटिश सामाजिक आर्थिक प्रभाव, उसके बाद यहाँ देखिए राष्ट्रीय आंदोलन को देखना है, स्वाधीनता हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुआ देश के आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधि जो भी हुआ वो सब टॉपिक देखना है। और यहाँ जो जो टॉपिक दिया है बस उसी टॉपिक को देख लीजिएगा कि संविधान कैसा आया, 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या था, ज्योग्राफी में देखिए कौन कौन से टॉपिक को देखना है, भारत का भूगोल को देखना है, भौतिक भूगोल को देखना है, भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल के बारे में भी जानना है, जैसे करेंसी ये सब हो गया, या जलवायु जानना है, जलवायु मौसम हो गया, टाइम जोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, देखिए टाइम जोन को टारगेट किया गया तो अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन एवं प्रवास के बारे में जानना होगा आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानना होगा, 1947 से लेके 1991 तक के अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, 5 नंबर का, हर एक टॉपिक 5 नंबर का है। उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारत में कैसे शासन व्यवस्था है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, जनरल साइंस में केवल 5 नंबर का तीनों से, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स से, तो साइंस ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, आप नहीं भी तैयार करते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स आपका 5 नंबर का, जनरल हिंदी में देखिए आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी से, उसके बाद अंग्रेजी से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अंग्रेजी से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक है, कैलेंडर हो गया, कारण प्रभाव हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कुल मिला के 5 ही पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें भारतीय एवं विश्व के बारे में पूछा जाएगा, उसके बाद सामान्य जागरूकता मतलब स्टैटिक जीके बोल सकते हैं, भारत के पड़ोसी राज्य हो गया, देश राजधानी, भारत के राज्य केंद्र शासित, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर कवर करेगा। और पैसेज जो पूछा जाएगा 5 नंबर का पूछा जाएगा, 2 पैसेज होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिएगा, 5-5 नंबर के 2 पैसेज होंगे। ग्राफ है आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, तालिका मतलब ग्राफ 20 नंबर का ग्राफ, और 5 नंबर का मैथ्स बेसिक पूछा जाएगा, मतलब 25 नंबर का मैथ्स पूछा जाएगा। जो आपका सिलेबस होगा वो NCERT पे आधारित होगा, और कक्षा 1 से 9 तक का सिलेबस होगा। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे,
और कुछ यहाँ पे नहीं है। तो सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब चीज़ को यहाँ कवर किया गया है। इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लोग सभी को फिल करना चाहिए, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।